महावीर थप्पा, क्योंकि मैं कार्बी आंगलोंग का है। पहले मैं कार्बी आंगलोंग का लड़का, तो मैं बचपन से चला गया था सर्कस लाइन में। अच्छा जी, सर्कस लाइन में चला गया। तो सर्कस से पहले तो आपका नाम एलविन डेरा था। हाँ, पहले मेरा एलविन डेरा था जी। पहले मेरा नाम तो एलविन डेरा है। तो मैं सर्कस लाइन में चला गया। तो सर्कस में मैं, मेरे को देखने के लिए आया, सर्कस भी देखा। तो मेरे को बोला कि जाएगा क्या मेरे साथ। मैं बोला अच्छा हो या बुरा। कहाँ में मुलाकात हुआ? मेरे को मुलाकात हुआ मुरादाबाद में। मुलाकात हुआ मुरादाबाद जी, मुरादाबाद। उसके बाद से क्या हुआ आगे की बात? इसके बाद मेरे को बोलता है चलेगा क्या, जाएगा क्या मेरे साथ, ऐसे बोल रहा था। तो मैं बोला चलो, आपको यदि अच्छा लगा तो मैं भी जाऊंगा। तो मेरे को लेकर आया अयोध्या में दर्शन कराने के लिए। उधर मेरे को पूजा पाठ कराया गुरु जी ने। मैं भी पहले तो डर गया था ना, पहले डर गया था। मैं बोला क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बल्कि माइंड में नहीं चेंज हो रहा था मेरा। तो फिर मेरे को दर्शन कराया, फिर मेरे को नाम पूछा, नाम क्या है बोल के। मैं बोला एलविन देरा है। तो बोले एलविन देरा कहाँ का है बोल। मैं बोला कार्बी आंगलोंग का है, वेस्ट कार्बी आंगलोंग का है। बोले कार्बी आंगलोंग कहाँ में पड़ता है? मैं बोला आसाम से, आसाम में पड़ता है, मैं थोड़ा अंदर है, ऐसे बोला था। और इसका बोला एक काम करो, आपको आज से मैं महावीर थप्पा बोल के पुकारूंगा, और वो जो मेरा गुरु है तो वो मेरे को बोलता है आपसे आपका नाम चेंज हो गया, और आपसे मेरा, आप मेरा लड़का है, ऐसे कि जाओ कि नहीं जाओ। मेरा नाम भी अभी चेंज हो गया और टाइटल भी चेंज कर दिया मुझे, ऐसे बोला। तो फिर कौन किया? मेरा मम्मी पापा ने पूछा। मैंने बोला मेरा गुरु जी है, मेरा सब कुछ है, अभी तो फिलहाल तो सिखा रहा ना, तो इसके लिए मेरे को शिक्षा दी। लेकिन कुछ मैं जिस तरीके से सुना हूँ कि आप भाइयों में दूसरा नंबर पे हैं, दो नंबर पढ़ाई आपका बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो अभी आप घर, आप लोगों का कैसे चलता था? घर चलता था तो अभी ठीक है ना, बहुत गरीब चलता हुआ अभी फिलहाल तो। मैंने आगे तो आगे से ही बहुत गरीब चल रहा हूँ, खाना पीना नहीं है। हजीरा जाता हूँ, 200 रुपया 300 रुपया मिलता है, वही इधर खुद को खाऊँ, उन्हें दूसरा को खिलाऊँ, उन्हें बच्चा को खिलाऊँ, और अपना ने अपना खाऊँ। बताइए, वहाँ जब आप कुश्ती खेल रहे थे, आप किस देश से खेल रहे थे? इंडिया से खेल रहे थे या नेपाल से खेल रहे थे? जी मैं नेपाल से खेल रहा था। नेपाल से? जी नेपाल। आप तो मूलतः इंडिया के रहने वाले हैं। जी है, इंडिया। सबसे पहला कुश्ती कहाँ से आपको? मैं सबसे पहले कुश्ती ला रहा था, गया था मैं नेपाल में गया था। तो मेरा जो कोच है मेरे को नेपाल में लेके गया। तो मैं इंडिया से ला रहा उधर नेपाल में जाके। अच्छा, तो एक पंजाब और राजस्थान का आदमी से ला रहा था मैं। पंजाब और राजस्थान के लोगों से लड़े? जी जी। कुश्ती तो जीत किसकी हुई थी उसमें? जीत मेरा ही हुआ था, दो बार भी मेरा ही हुआ। अच्छा, उसके बाद से आपको कुछ मिलता था पैसे वगैरह घर भेजने के लिए, कुछ गुरुजनों? हाँ जी 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 जी, मिलता है पैसा वगैरह तो मिलता है, खाना पीना भी अच्छा है उधर। लेकिन अभी फिलहाल इधर में आ गया तो क्या करेगा, खाना पीना अच्छा नहीं, तो नहीं आपने है। आपने क्यों नहीं ये सोचा कि हम इंडिया से लड़ेंगे? इस तरीके से आपने नहीं सोचा कि भारत के होकर के हम लड़े तो आपका भारत का भी नाम होगा, आपका भी नाम रोशन होगा, कार्बी आंगलोंग का भी नाम रोशन होगा, आसाम का भी नाम रोशन होगा? तो इसके बारे में आपने नहीं सोचा? मैं सोचा था, बहुत सोचा था, इसके लिए मैं आया था। दो बार आ चुका हूँ मैं, दो बार भी मैं मम्मी पापा को बोला था मम्मी पापा इधर से खेलूंगा। तो मेरे मम्मी पापा बोले हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इतना गरीब है, तो हम लोग का सपोर्ट कौन करेगा, ऐसे बोला रहा था। तो बोलने के लिए बहुत जगह गया था मम्मी पापा लोग भी, किधर किधर गया मेरे को पता नहीं, तो गया था बहुत बोलने के लिए। तो ये साफ तौर पे देख रहे हैं, ये महावीर थापा के नाम से इनको अब जाना जा रहा है, लेकिन ये बहरहाल असम पश्चिम कार्बी आंगलोंग के रहने वाले हैं। एलविन डेरा इनका नाम है, और पैसे की किल्लत की वजह से आज ये लोगों के घरों में हाजिरा करते हैं, दिन दिहाड़ी काम कर रहे हैं, दिहाड़ी हाजिरा करते हैं, मजदूरी करते हैं, घर परिवार चलाना है, माँ है, पापा है, और साथ ही आपको बता दें कि इनके परिवार भी है, तो उसको भी चलाना पड़ता है। ये राजस्थान में भी लड़ाई की कुश्ती लड़े हुए हैं, और हरियाणा में भी? हाँ जी, हरियाणा में, पंजाब में, इसके बाद बिहार में, यूपी में। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी आप सर्च कर सकते हैं महावीर थापा कुश्ती, इस तरीके से सर्च करेंगे तमाम वीडियो इनका पड़ा हुआ है, लोग देख रहे हैं, तमाम जो व्यूवर्स हैं इनको देखने वाले। लेकिन अभी फिलहाल जो है ये कार्बी आंगलोंग के निवासी है, तो आपने कभी जनप्रतिनिधियों से इसके बारे में जानकारी नहीं दी? जो कार्बी आंगलोंग से जो जनप्रतिनिधि है उनसे आप इसके बारे में कंसल्ट नहीं किया आप लोगों ने कि नहीं हमको इस तरीके से कुश्ती लड़ना है? जी जी जी। तो कुछ आर्थिक मैं सबको नमस्कार, मैं सोचता हूँ कि अभी मैं ये कार्बी आंगलोंग से खेलूंगा, सोच रहा था मैं, सोचता हूँ कि कोई मेरे को एक आदमी द्वार में सपोर्ट दे, इसके बाद में इधर कार्बी आंगलोंग से मैं इंडिया को खेलूंगा मैं अभी। फाते माते आए थे रास्ते से, आए प्रधानमंत्री से, मैंने भाई को मार दिया और हमारे गुरु भाई के साथ बदनामी हुई।
आप इसको लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? अरे पुलिस के क्या देखना है? इनका कहना है, ये धर्मवीर पहलवान का कहना है कि कल हम लोग 400-500 किलोमीटर दूर से चल करके आए हुए हैं, रात भर ट्रेन में सफर करके दो दिन से हम लोग थके हुए थे, इसलिए हमारे भाई को धोखे से मार लिया इसने। आज मैं अपने जेब से 5,000 रुपया यहाँ रख रहा हूँ, अगर मेरे भाई को मार देगा तो ये 5,000 रुपया ले लेना है। और अगर तेरे भाई को मार लिया था पाने तो तुझे भी लड़ना पड़ेगा उससे। एक बार इनके नाम पर जोरदार तालियों से स्वागत करिए आप लोग। धन्यवाद प्रणाली चौकी इंचार्ज श्री किस बहादुर थापा जी लाई मच भाई आसनगढ़ बोला अनुग्रह चाहो किस बहादुर थापा जी आना चाहिए। आप लोग कुश्ती देखिए, एक तरफ जम्मू कश्मीर से दूसरे तरफ काठमांडू नेपाल, काश्मीर और कन्याकुमारी के पहलवान का जबरदस्त जबरदस्त मुकाबला आप लोग देख रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं और गिरेगा तो कम नहीं। एक तरफ नेपाल का इधर तो दूसरे तरफ हिंदुस्तान का इधर कोई बात नहीं, काम आरोप करो एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरे तरफ के पास भारत के पहलवानों का हाथ रखने का बहुत शौक होता है, इनका गुरु ही सिखाते हैं क्या? मैं उंगली डालना, नाक में मुंह में खोलना चला दो और उंगली तोड़ना उंगली भाई। इनका पुरानी आदत है भाई, नेपाल का पहलवान अरे छुल्लू भर पानी में डूब के मर गया। ये मेरे से एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ नेपाल देखिए।